मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फेयर, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, एक सॉलिड स्फेयर है और अगर आपका एक्सिस सॉलिड स्फेयर के कहीं से भी पास करता कोई फर्क ना पड़ता, क्यों? सॉलिड स्फेयर एक सिमेट्रिकल बॉडी है, जहां से मर्जी एक्सिस सेंटर से घुसा लो एक ही बात है। तो आंसर क्या आएगा? 2/5 mr². ये नेक्स्ट फॉर्मूला है। नेक्स्ट है हॉलो स्फेयर, लिख लो, लिखा नहीं हुआ, हॉलो स्फेयर अंदर से अगर खाली हो, तो अगर स्फेयर अंदर से खाली हो तो आंसर है 2/3 mr², लिख लो यहीं पे 2/3 mr², सॉलिड स्फेयर का 2/5 mr², हॉलो स्फेयर का 2/3 mr², 2/5 mr², 2/3 mr². ठीक है, ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, अगर मैं सिलेंडर को ऐसे घुमा रहा हूं, सॉलिड को, ये देखो एक्सिस कहां से पास करेगा, इसके सेंटर, यहां से, तो आंसर आएगा 1/2 mr², लेकिन साथ ही लिख लो, साथ ही हॉलो स्फेयर लिख लो, हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, तो एक्सिस अगर यही है लेकिन अंदर से ये हॉलो है तो आंसर आएगा mr², हॉलो में mr², ऐसा पता है क्यों? देखो मैं कोई शॉर्टकट कराता हूं, अगर ये सॉलिड सिलेंडर है, सोचो अगर मैं इसको काट दूं, एलिमेंट्री पोर्शन क्या निकलेंगे? हर की प्लेट में डिस्क आएगी, काट काट के बांट दूं तो, और डिस्क का क्या होता है? 1/2 mr², तो सभी डिस्क को जोड़ दिया तो आंसर रिमेन्स सेम। हॉलो में काट के क्या आएगा हाथ में? रिंग, हॉलो कटेगी तो रिंग आएगी हर के हाथ में, और रिंग का क्या होता है? mr², तो देखो सभी रिंग को मिला के mr², याद भी रहेगा, बाप भूलेगा भी नहीं, ठीक है यहां तक? किस उसमें बैठे पर बड़ी छोटी आती है, छोटी बड़ी, बड़ी बड़ी छोटी, ऐसे इसमें यूनिफॉर्म आएगी, इसलिए आंसर यूनिफॉर्म है। तो नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिलेंडर, अगर सिलेंडर कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, देखो ऐसे घूम रहा है, सॉलिड है पर ऐसे नहीं घूम रहा, रोल तो ऐसे करता है पर ऐसे घुमा रहा हूं, अगर मैं ऐसे घुमा रहा हूं तो एक्सिस सेंटर से पास करेगा, तो mr² / 4 l² / 12, ये तो याद ही करना पड़ेगा, ये आंसर है, सॉलिड है।